तो भाई सबसे पहले मैं दो चार आलू को एक एक गाइस मैंने आलू को तो काट लिया है, देख सकते हो। और मैंने तीन नहीं चार आलू और काट मैंने लिए। प्याज भी काट लिया है। और ये रहे आलू। तो गाइस फाइनली मैंने आलू को डाल दिया है इसमें, सब नमक मिर्ची डाल दिया है और अभी इसको मस्त तल रहे हैं। अभी खा लो। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस अभी ये नेक्स्ट डे है, मतलब मैं अभी इवनिंग के 5 बजे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने शूट नहीं करा था। कल असल में ऐसा हो गया था, कल जो दादी जी हैं ना, मतलब हमारे दादी मतलब पापा जी के पापा जी, ठीक है, उनके भाई की पत्नी वो हो चुकी थी कल ख़त्म। तो गाइज मैं वहाँ पर गया था कल, तो कल ब्लॉग शूट नहीं हो पाया और आज घर आया हूँ। नेक्स्ट डे तो थक गया था, बहुत थकावट हो गई थी। मैं बिज़नेस पे गया, बिज़नेस पे ब्लॉग्स नहीं कर पाया। अभी आ गया हूँ मैं, शाम टाइम हो गई, इवनिंग के 5 बज चुके हैं। तो गाइज अभी मुझे थोड़ा भूख लग चुकी है, तो फिलहाल तो मैं अभी आलू को तलने वाला हूँ। आलू कैसे भूनते हैं मैं बनाने वाला हूँ आलू को, थोड़ी बहुत ब्लॉग्स भी बहुत जाएगा, ठीक गाइज। तो आज मैं कल नहीं बना पाया था और कल देखेंगे कल, क्योंकि उनकी जो ना खादी रहती है उनको गंगा जी में स्थल करेंगे, तो कल देखेंगे बनाना होगा तो। बट अभी तो मैं बनाने वाला हूँ आलू को, भूनने वाला हूँ उसको, तलते हैं क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट है। तो चलो। तो भाई सबसे पहले मैं दो चार आलू को एक एक दो तीन, ये तीन आलू हो जाएंगे कि नहीं काटने के बाद देखते हैं। चलो तो फिलहाल तो अभी मैं काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करता हूँ, तो चाकू लेने चलेंगे अपन, ठीक है। तो गाइस ये रही चाकू और साथ में धर लेते हैं प्लेट। तो गाइस मेरा ना जो आलू ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है, मैं इसको काट ही लेता हूँ, ठीक है। और गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा टीवी देख रहा, टीवी कर देते हैं बंद। और यहाँ पर मैं तीन आलू काटूंगा और मस्त भून लूँगा, क्योंकि मेरे को ना बहुत ही पसंद है इसको आलू को तलना, मस्त है, इसको तेल में तलेंगे। तो गाइज मैं इसको फटाक से काट लेता हूँ, फटाक से वो कर लेते हैं, ठीक है। गाइज मैंने आलू को तो काट लिया है, ये देख सकते हो, और मैंने तीन नहीं चार आलू काट लिया। इतना तो मेरे को हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ना अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही, अब तेल में तलूँगा ना तो बहुत ही स्वादिष्ट आएगा। और गाइस फ़िलहाल तो अभी मैं घर पे अकेला हूँ, क्योंकि बिट्टू भोघर में है चाची जी के यहाँ, और भैया क्यूलारी गया हुआ है, और मम्मी वहीं पर हैं डोब में, जहाँ पर जो दादी हमारी गुजरी हैं ना, गुजर गई हैं, तो वहीं पर हैं, क्योंकि वहीं पर रुक गई थी। तो बोले ठीक है, अब कल फिर मैं भी जाऊँगा ना, तो चलो आओ। ये रही गैस, और यहाँ से ऐसे दरवाजे को अपन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ से फर्स्ट, अभी तो आलू कट गए हैं, और मस्त इसको फटाफट तैयारी करते हैं बिल्कुल स्पीड के साथ। यहाँ मैंने प्याज भी काट लिया है और ये रहे आलू। और गाइस यहाँ पर जो है अपनी ना इसको हम बोलते हैं कढ़िया, तो ये गाइस यहाँ पर कढ़िया है, ये गर्म हो रही है, ठीक है। मैंने सब व्यवस्था कर लिया है, अब इसमें फटाक से क्या करते हैं, तेल डालते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तेल डाल देते हैं ताकि मस्त लगे यार, है कि नहीं, मस्त लगना चाहिए ना यार, मज़ा आ जाए खाने में। और मेरे को तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है यार खाने की, बना भी नहीं है और खाने की इतनी एक्साइटमेंट हो रही, क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेरे आलू बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है भाई। और आलू को थोड़ा सा ना पानी के साथ धुल लेते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं घर में जब भी अकेला रहता हूँ ना गाइस, ऐसे ही करता हूँ, मैं आलू को तल के खाता रहता हूँ। आलू ज़्यादा तो नहीं हो गए गाइस, चलो देखते हैं अभी तो। और वहाँ पर तेल भी अपना हो चुका है गरम, ठीक है, इसको तेल ही तेल में तलना है।
तो गाइज यहाँ पर हो गया अपना तेल गरम, अपन यहाँ पर अब प्याज मिर्ची को डाल देते हैं। ठीक है, ये रही चम्मच, सारी सी चम्मच से काम हो जाएगा अपना। तो गाइस फाइनली मैंने आलू को डाल दिया है इसमें, सब नमक मिर्ची डाल दिया है और अभी इसको मस्त तल रहे हैं। ये देखो कितना मस्त हो गया गाइस, और खाने खाने में ना और मेरे को बहुत मस्त लगता है। अभी तो मस्त इसको तल लेते हैं पूरा। ठीक है जी, देखो अभी इसको चुराएंगे, अभी तो तेल ही तेल है, अभी इसमें बहुत तेल है, कितना तेल है ये देखो। अभी इसको इतने तेल में मस्त चुराएंगे। और चुराने के बाद फिर खाते हैं, या फाइनली अब चुड़ने देते हैं इसको। तो गाइस फाइनली चुड़ गए हैं, ये देखो मस्त। और चुड़ने के बाद तेल निकलते जा रहा है ये। तो गाइस इसको चुड़ गया है, मैंने बंद भी कर दिया है। अब इसको होने देते हैं अपन ठंडा। ठीक है, ठंडा होने के बाद खाएंगे ना, क्योंकि तेल यहाँ पर बहुत गर्म हो। गाइस मस्त आलू ना देखो, मस्त आलू घुंघराली टाइप हो गए। अभी इसको ठंडा होने देते हैं, ठीक है ना। तो गाइस मैंने अभी प्लेट में ले लिया है, ठंडा भी कर लिया मैंने कूलर में। और गाइस अभी तो मस्त ये ठंडा हो गया है, मैंने जो प्याज मिर्च डाला हूँ ना और उसके साथ आलू, तो मस्त स्वाद आ रहा है गाइस। मैं बैठे बैठे जब टीवी देख रहा था ना, तभी मेरे माइंड में आ गया था यार, स्वाद आ गया था मेरे मुंह में कि यार मैं आलू नहीं बनाऊंगा। उसके बाद स्वाद जो आया ना गाइस, तो फटाफट मन का अब तो बना ही लेते हैं। तो गाइस बना लिया हूँ और मिशन अपना सक्सेस हो गया है, क्योंकि बहुत मस्त लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त। अभी देखे इतनी बची हुई है, इतनी मैं खा रहा हूँ। ठीक है अब भी खा लो, आप भी ट्राई करने के बाद, बहुत मस्त लगती है। मस्त नमक मिर्च डालो, ठीक है, आलू को डालो तलो और फिर से उसमें नमक मिर्ची प्याज फिर डालो, फिर उसको चुड़ने दो। फिर चुड़ने के बाद मस्त ठंडा करो और खाओ, मज़ा आ जाता। तो गाइस मैंने खा लिया है आलू को मस्त चुड़ो के, ठीक है, और मैंने बाहर भी रख दिया। और अभी हो चुकी है शाम, तो शाम के समय में अभी मैंने भगवान जी की पूजा पाठ भी कर दी, आरती कर लिया हूँ। ठीक है, और बस इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा हमने बनाए खाए। तो गाइस मेरे को ज़्यादा समय नहीं मिला, बट मैंने कोशिश किया बनाने की। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और कल के ब्लॉग्स को देखते हैं बनाएंगे तो, लेकिन आप एक्टिव रहना। ठीक है, बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। और बस, तो गाइस जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहना, मज़े में रहना, बाय।